दोस्तों इंग्लैंड ने भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट मैच में एक पारी और 76 रन के अंतर से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। भारतीय टीम के शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण पूरी टीम का पहली पारी में 78 रन पर आउट होना रहा, जिसके बारे में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मैच के बाद बातचीत की। विराट ने कहा कि पहली पारी में 78 रन पर ऑल आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के आगे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय टीम पर काफी ज्यादा प्रेशर बन गया। हालांकि कोहली ने माना कि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर दिया और उनके लिए रन बनाना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई। इसके अलावा कोहली ने यह भी माना कि हम हर बार लोअर ऑर्डर बैट्समैन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसलिए टॉप ऑर्डर बैट्समैन को अधिक से अधिक रन बनाने होंगे। अंत में रविचंद्रन अश्विन के अगले मैच में सिलेक्शन पर कोहली बोले कि यह पिच पर निर्भर करेगा कि हमें दूसरे स्पिनर को खिलाना है या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगले मैच के लिए अश्विन को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।